Assalamu alaikum and hi everyone, this is Ali from AWT Exotica back with another banging video for you guys. Aaj ki video bahut hi amazing hai. Ek to sorry for being late. Ek hafte ka maine bataya tha aur koshish ki hai ki within that particular week main ek video upload kar sakun. Main kafi arse se I was basically looking for an alternative camera jo ki mujhe action related scenes aur b-roll aur shots capture karne mein madad kare. Ab jo DSLR hai wo kafi badi cheez hai. इट कैरीज इट्स वेट उसको और ऊपर से उसमें से स्मूथ फुटेज निकालने के लिए आपको गिम्बल की ज़रूरत पड़ती है और ओवरऑल जब गिम्बल और DSLR दोनों को आप ऐड करके फील्ड में चलाने की कोशिश करते हैं तो योर हैंड्स गेट नम. काफ़ी वजनी एक सिस्टम बन जाता है. तो इसी बैकड्रॉप में मैंने प्लान किया कि मैं एक एक्शन कैम की तरफ जाऊँ जो ब्राइट डे लाइट के अंदर मुझे वो शॉर्ट्स और अमेजिंग बी रोल सीक्वेंसेस के लिए जो छोटी मोटी शॉर्ट्स होती हैं एक्शन सीक्वेंसेस के लिए जो शॉर्ट्स होती हैं सर्टेन एरियाज जहाँ पे DSLRs को आप इतना फ्रीली इतना फ्रीडम के साथ यूज़ नहीं कर सकते. मुझे एक रगेड कैमरा सिस्टम की ज़रूरत थी तो आई हैड टू ऑप्शंस. एक था GoPro Hero 10 और दूसरा था DJI Action 2. तो आई वेंट फॉर द DJI Action 2 विच इज़ राइट नाउ हेयर इन माई हैंड. और ये वीडियो इस ई कैमरा के बारे में इसके रिव्यू के बारे में है. तो फॉर ऑल दोज who are looking for an in-depth analysis on the DJI Action 2, this video is for you guys. सबसे पहले हम इसी वीडियो में इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि इसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिल जाती है, बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी एक्सेसरीज मिल जाती हैं और इसके बाद इसके डिटेल्ड रिव्यू पे आते हैं. If you guys are new to the channel, do leave a like, do subscribe and turn on those bell notification icons if you haven't done so already. That is going to help this channel a ton. ये कैमरा मेरी सेल्फ परचेज है. मुझे इसमें DJI की तरफ से कोई हेल्प नहीं है सिंस दिस इज़ अ वेरी न्यू एंड नेसेंट चैनल. इंशाल्लाह होंगी वंस यू गाइस स्टार्ट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और दिस चैनल की जो रीच है वो बढ़ेगी. हेल्प मी आउट इन दिस और इंशाल्लाह हम इस टाइप की चीज़ें आपको स्पॉन्सर्ड वे में भी नजर आएंगी. तो लेट्स गेट यू स्ट्रेट टू द अनबॉक्सिंग एंड द स्टार्ट ऑफ द वीडियो. जाइएगा कहीं नहीं. Alright, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग. दिस इज़ द बॉक्स. ये बॉक्स आप देख सकते हैं इसके टॉप पे DJI Action 2 लिखा हुआ है. दो मॉड्यूल बने हुए हैं. बैक पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ डिटेल्स हैं. लेट्स ओपन द बॉक्स एंड सी व्हाट्स इनसाइड. ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है व्हिच आई नॉर्मली डोंट रीड. दीज आर द टू मॉड्यूल्स दैट यू गेट. सबसे पहले हम कैमरा मॉड्यूल को अनपैक कर लेते हैं. ओपन द सील. दिस पोर्शन द कैमरा मॉड्यूल. डुअल स्क्रीन कॉम्बो. इसके अंदर बैटरी भी है और डुअल स्क्रीन भी है. नैनो जेल बेस प्लेट. इसी के अंदर नैनो जेल है. आप चिपका सकते हैं, ट्राईपॉड के ऊपर लगा सकते हैं. गेट द स्टैंडर्ड ट्राईपॉड स्क्रू माउंट. क्वार्टर इंच स्क्रू लग जाता है इसके अंदर. बहुत सारे ऑप्शन आएगा. ये भी मैग्नेटिकली अटैच होता होगा इसके साथ. सख्त है काफ़ी. चार्जिंग केबल मिल जाती है आपको. GoPro माउंट. Get a GoPro mount with it. यानी आप इसको GoPro style accessories के साथ भी आप इसको mount कर सकते हैं. Oh wow, ये है वो necklace mount जिसकी DJI बात कर रहा है. This is a necklace mount. इसके साथ आप इसको attach करके कहीं भी fit कर सकते हैं. You just wear it on. Wow, this is the arrangement. ये arrangement है ये. अच्छा, इसी इस कैमरा के ओवरऑल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो इट हैज़ एन अमेजिंग फील टू टच. फुल एलुमिनियम एलॉय का बना हुआ है. जहां भी आप इस कैमरा सिस्टम को हाथ लगाएं कहीं से ऐसा फील नहीं होता कि ये सब स्टैंडर्ड टाइप चीज़ है. द बॉडी इज़ ऑल मेटालिक और बहुत ही अच्छा फील आता है अगर आप इसको हाथ में पकड़ें. आप यू गेट दैट प्रीमियम फील और आपको जो कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो इतनी फील नहीं होती. दूसरी जो सबसे अमेजिंग चीज़ DJI इस डिज़ाइन के अंदर लाया है, हाउएवर ये डिज़ाइन फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ दिस इज़ ऑलरेडी बीइंग फॉलोड बाय Insta360, वो है मॉड्यूलर डिज़ाइन. मॉड्यूलर डिज़ाइन क्या है कि देर इज़ अ मॉड्यूल फॉर द कैमरा यूनिट एंड देन देर आर डिफरेंट अटैचेबल मॉड्यूल्स विद इट जो कि मैगनेट के साथ मैग्नेटिकली आपस में कनेक्ट होते हैं. ट्रस्ट मी दीज मैग्नेट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ऐसे नॉर्मल अंदाज में खींचने से, इसको झटकने से, इधर उधर मूव मनूवर कराने से इस मतलब कैमरा को कुछ भी नहीं होता. सो ये जो क्लिक है, ये जो क्लिक है बहुत मज़े का फील है. तो एक तो इसका जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है वो बहुत मुझे पसंद आया बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट वन पीस. आप इसको दो पीसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्रोन पे लगाना है तो आप सिर्फ जो
कैमरा वाला मॉड्यूल है इसका, ये जो यूनिट है इसको इस्तेमाल करके आप इसको ड्रोन के ऊपर लगा के अपने शॉट्स ले सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी लाइट वेट एज वेल। ये कैमरा ओपन मार्केट में दो डिफरेंट मॉड्यूल्स के साथ अवेलेबल है। एक है इसका डुअल स्क्रीन कॉम्बो जो कि मैंने लिया है, विच इज़ वेरी गुड एंड नाइस फॉर व्लॉगर्स। इसकी जो डुअल स्क्रीन कैपेबिलिटी है वो आपको कंफर्टेबली दिखा सकती है जबकि कैमरा आपको फेस कर रहा है। अगर आप इसमें एक और मॉड्यूल आता है जो कि इसका बैटरी मॉड्यूल है विच एक्सटेंड्स द बैटरी लाइफ, उसके अंदर कोई स्क्रीन नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के अंदर मोस्टली ये जो डुअल स्क्रीन कॉम्बो है यही मार्केट में अवेलेबल है और एडवाइजेबल भी यही है कि आप डुअल स्क्रीन कॉम्बो ही परचेज करें। अच्छा, अब अगर बात कर दी जाए इसके मेन मॉड्यूल की जो कि सिर्फ ये पोर्शन है, दिस इज़ द डुअल स्क्रीन कॉम्बो जो इसके नीचे मॉड्यूल लग जाता है, ये इतना सा है। नाउ दिस इज़ अराउंड 1.5 by 1.5 by 0.9 inches इन टोटल, जो कि बहुत ही छोटा सा हैंडी सी चीज़ आपके हाथ में आ जाती है और टोटल 2 ounce का है। मतलब इसके वज़न की भी कोई ख़ास ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि अगर आप ड्रोन पे चढ़ा रहे हैं या हाथ में पकड़ा हुआ है तो हैवी फील हो रहा है। इट्स वेरी वेरी लाइट, 2 ounce का टोटल ये है। जब आप इसके साथ इसका डुअल स्क्रीन कॉम्बो अटैच करते हैं तो ऑफ कोर्स इसका वेट थोड़ा सा प्लस साइड पर चला जाता है, बट इवन देन मैंने इसको यूज़ करके देखा है कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है और वेट आपको इतना ज़्यादा नहीं लगने वाला। इस कैमरा सिस्टम की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई है वो एक तो इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है और दूसरा ये जो मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है डिफरेंट एक्सेसरीज़ के साथ इसी के अंदर, जो कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया है, देयर वेरियस एक्सेसरीज़। एक नेकलेस टाइप लॉकेट भी आपको मिल जाता है और आप इसको यूं चेस्ट पे लगा के आप घूम सकते हैं। हेलमेट माउंट है इसका और वेरियस अदर एक्सेसरीज़। इसका स्टैंडर्ड GoPro माउंट है जो स्क्रूएबल है और एक नॉर्मल क्वार्टर इंच स्क्रू होल वाला माउंट भी है जिसके मदद से आप इसको किसी भी ट्राइपॉड या एक्सेसरी के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई लव अबाउट दिस कैमरा, इसका जो मैग्नेटिक मॉड्यूलर डिज़ाइन है। दूसरी चीज़ ये है कि ये कैमरा यूनिट इटसेल्फ कैन बी मैग्नेटिकली प्लेस एंड अटैच विद एनी ऑफ द मैग्नेटिक सर्फेसिस। जैसे गाड़ी की साइड है, गाड़ी का दरवाज़ा है, उस पर आप लगा सकते हैं, गाड़ी के नीचे लगा सकते हैं, गाड़ी के हुड पर लगा सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक टच उसमें नहीं है। तो मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला पंगा लें और इसको आप गाड़ी के हुड पे चिपका के आप स्पीड दें और झटका है और ये गिर जाए, दैट इज़ ऑन योर ओन रिस्क। हाउएवर इसमें कैपेबिलिटी है। तो कमरे के अंदर अगर कोई ऐसा आपको नज़र आती है चीज़ या जगह जहाँ से आप कोई डिफरेंट से शॉट लेना चाहते हैं तो वो इस कैमरे के थ्रू लिया जा सकता है। जैसे फ्रिज के अंदर कोई नुक है या दरवाजे के साथ आपने लगाना है, वो वाली मूवमेंट आपने दिखानी है, तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल विद दिस कैमरा राइट हियर इन माई हैंड। अब लेडीज एंड जेंटलमैन इसके फीचर्स की तरफ आ जाते हैं। अगर कैमरा की कैपेबिलिटीज और फीचर्स के बारे में बात करें तो दिस इज़ द ओवरऑल कैमरा इन माई हैंड विद द डुअल स्क्रीन कॉम्बो। ये इसके ऊपर एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, इसको आप प्रेस करके होल्ड करें थोड़ी देर के लिए तो ये कैमरा सिस्टम ऑन हो जाता है और इस तरह से आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो अवेलेबल हो जाती है। इसके जो फीचर्स है वो ये है कि इसका जो मॉड्यूल का जो स्क्रीन है जो मेन कैमरा के पीछे है वो भी टच है और जो डुअल स्क्रीन है दैट इज़ ऑल्सो टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन का ऑप्शन आपको दोनों साइडों पर मिल जाता है। इस का जो टच है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिव है, टच में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्क्रीन जिस तरह से एक टच स्क्रीन ऑपरेट करनी चाहिए उस तरह से ऑपरेट करती है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्क्रीन को स्वाइप करें तो आपके पास इसकी रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट के ऑप्शंस आ जाते हैं। इसका रेजोल्यूशन 1080p से स्टार्ट होकर 2.7K 16:9, 2.7K 4:3 और 4K रेजोल्यूशन तक जाता है। 4K 16:9 का ऑप्शन है और 4K 4:3 का ऑप्शन है। ये मॉड्यूलर सिस्टम कमाल का फ्रेम रेट्स ऑफर करता है। 1080p पर आपको, अगर इसको मैं 1080p पर अभी लेके जाऊं विच इज दिस, आपको ये 240 फ्रेम्स पर सेकंड तक की ऑफर करता है फ्रेम रेट्स। 2.7K में लेके जाऊं तो 120 फ्रेम्स पर सेकंड ऑफर करता है और यही 120 फ्रेम्स पर सेकंड का फ्रेम रेट 4K में भी अवेलेबल है। सो इफ यू लुकिंग एट दो स्मूथ बटरी बी रोल टाइप शॉट्स या स्लो मोशन आप इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास 120 का फ्रेम रेट्स का 120 फ्रेम्स पर सेकंड का ऑप्शन अवेलेबल है 4K के अंदर। एक और अमेजिंग फीचर इसका होराइजन लेवलिंग का है, जो कि 360 डिग्रीज अगर आप कैमरा को रोटेट करते हैं उसके अंदर भी ये अपना होराइजन लेवल रखता है, होराइजन को बराबर रखता है, बट दैट ऑप्शन इज ओनली अवेलेबल इन 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड के फ्रेम रेट के साथ। और ये इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपके पास होराइजन स्टडी का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, रॉक स्टडी है और होराइजन स्टडी है। तो ये ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं विच इज अमेजिंग फीचर। पूरा का पूरा कैमरा आप घुमा दें, अपनी डायरेक्शन अगर छोड़ भी दे तो तब भी इट इज़ गोइंग टू स्टे गेट द होराइजन लेवल और उसको लेवल ही रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा पूरा 360 घुमाने के बाद भी। और इसका जो अपना बिल्ट इन स्टेबलाइजेशन सिस्टम है विच इज़ नोन एज रॉक स्टडी,
ये यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलमोस्ट हर फ्रेम रेट और हर रेजोल्यूशन के साथ आपको रॉक स्टडी का ऑप्शन मिल जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त स्टेबलाइजेशन देता है। मैंने इसके टेस्ट किए हैं, भागते हुए टेस्ट किए हैं, वॉक करते हुए टेस्ट किया है। जो स्टेबलाइजेशन ये देता है इट इज एज गुड एज एनी गिम्बल कैन गिव यू ऑन अ DSLR। तो बहुत ही अच्छा इसका स्टेबलाइजेशन आपको यूज करने में मिलता है। अगर आप बाइकर हैं, आप बाइकिंग करते हैं, यू आर अ माउंटेनियर और आपकी मूवमेंट ज्यादा है लाइफ में, तो दिस इज द राइट एक्शन कैम टू गो फॉर, क्योंकि इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत ही आला किस्म की है, बहुत स्टेबल और स्टेडी रखेगा आपके फुटेज को। अच्छा, इसी तरह जब आप स्क्रीन को राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करें तो आपको एक्सपोजर सेटिंग्स ये देना शुरू कर देगा। एक्सपोजर में इस वक्त ऑटो आ रहा है, आपको वाइट बैलेंस मिल जाता है, आपने ऑटो वाइट बैलेंस में जाना है या इसको चेंज करना है। कलर में इसके दो ऑप्शन है, वन इज नॉर्मल एंड द अदर इज DC-Nilaik। DC-Nilaik मैं खुद प्रेफर करता हूँ बिकॉज DC-Nilaik में आपको पोस्ट प्रोसेसिंग और एडिटिंग में काफी ऑप्शन मिल जाते हैं। फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे अगर आप जाएं तो देर इज स्टैंडर्ड DWOP, वाइड है और अल्ट्रा वाइड है। आई प्रेफर स्टैंडर्ड DWOP बिकॉज ये ज्यादा मैनेजेबल लेवल्स पे एंगल्स इसके रखता है। एक्सपोजर सेटिंग्स आपने ऑटो की हुई है, आप इन एक्सपोजर सेटिंग्स को अगर मैनुअल करेंगे तो दिस इज गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस फॉर शटर स्पीड एंड ISO, जो कि एक नॉर्मल DSLR कैमरा के अंदर भी आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो यहाँ से आप कंफर्म करें तो ये मैनुअल वाले खाते में चला जाएगा। अब वाइट बैलेंस आप ऑटो करना चाहते हैं या आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं मैनुअली द वाइट बैलेंस, तो दैट कैन बी एडजस्टेड। या आप देख रहे हैं कि वाइट बैलेंस मनूवर कर रहा है, तो यू कैन एडजस्ट द वाइट बैलेंस अकॉर्डिंगली। फिर इसी स्क्रीन पे आपको ऑडियो के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें चैनल स्टीरियो है, मोनो करना है तो मोनो पे चला जाएगा, ऑटो नॉइज रिडक्शन को आपने ऑन रखना है तो इट कैन स्टे ऑन। ऑडियो डायरेक्शनल, ऑडियो डायरेक्शन से मुराद इसके अंदर फोर माइक सिस्टम है, फ्रंट बैक एंड टू साइड्स। तो आप यहाँ से सिर्फ फ्रंट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैक सेलेक्ट कर सकते हैं, या ऑल पे आप जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द चॉइस ऑफ योर ऑडियो ऑप्शंस, उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्क्रीन को अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपके पास प्लेबैक के ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें वेरियस आपकी वीडियोस इसके अंदर दी हुई हैं। यू कैन डिलीट, यू कैन लाइक एंड यू कैन डू स्टफ विद देम। आपने प्रीव्यू करना है तो इसी स्क्रीन के ऊपर आपका प्रीव्यू हो सकता है। इसी की जो मॉड्यूल की स्क्रीन है, आप ऊपर से नीचे स्वाइप करेंगे तो यू गेट दीज ऑप्शंस, जिसमें आपके पास फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, साथ ही आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, मेमोरी का ऑप्शन मिल जाता है। मेमोरी के ऑप्शन में आप जाएं तो इट गिव्स यू सर्टेन ऑप्शंस ऑफ सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ मेमोरी फॉर यूज। आप इसको इंटरनल कर सकते हैं, इंटरनल मेमोरी इसकी 32 GB आती है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम इसका थोड़ी सी स्पेस ले लेता है तो इट कम्स डाउन टू 22.3, और SD कार्ड आप इसमें 256 GB तक का SD कार्ड आप लगा सकते हैं। यहीं से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, यहीं से चॉइस ऑफ मेमोरी आप सिलेक्ट करके कैमरा को बता सकते हैं कि मैंने SD कार्ड यूज करना है या इंटरनल स्टोरेज यूज करनी है। नेक्स्ट ऑप्शन यू गेट इज ऑफ द सेटिंग। सेटिंग्स के अंदर आप जाए तो वॉइस कंट्रोल मिल जाता है। वॉइस कंट्रोल आप यहाँ से ऑन कर दें तो इट इज गोइंग टू स्पॉन टू द वॉइस कमांड्स दैट यू गिव इट, जिसमें आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑफ कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप तस्वीर ले सकते हैं, स्नैपशॉट्स ले लेगा। वायरलेस कनेक्शन ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। साउंड्स हैं, ग्रिड अगर आपने ऑन और ऑफ रखना है जस्ट टू कीप द रूल ऑफ थर्ड्स, या फोटोग्राफी के जो रूल्स होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। एंटी फ्लिकर, फ्लिक जो करती है लाइट्स डिफरेंट पुराने डिजाइन की उनके लिए है। ऑटो स्टॉप रिकॉर्ड टेम्परेचर के अंदर आप चले जाएं तो यू कैन सेट इट टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि दिस इज गोइंग टू शट ऑफ क्विकली एट 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड अराउंड 3 minutes 30 seconds। और अगर आप इसी सेटिंग को हाई पे कर देते हैं तो ये टाइम ज्यादा लेगा, ज्यादा देर के लिए 4K 120 फ्रेम्स पर सेकंड में आपको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन देर इज डेंजर ऑफ डैमेजिंग द कैमरा, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, तो स्टैंडर्ड पे ही रखिएगा। स्क्रीन ऑफ एंड रिकॉर्डिंग ऑटो पावर ऑफ, जाहिर है जब आप कर रहे हैं तो स्विच ऑफ कर सकता है, 5 मिनट बाद कर देगा, 10 मिनट बाद कर देगा, 30 मिनट बाद करेगा, 30 सेकंड बाद। यू कैन चूज द टाइप ऑफ ऑप्शन यू वॉन्ट फॉर इट। लेंस डिस्ट्रैक्शन है, उसके बाद कंटिन्यू लास्ट लाइव स्ट्रीम है, लैंग्वेज है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, डिवाइस इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन है। इस तरह वापस हम आते हैं तो अगर आप स्वाइप करें तो यू गेट प्रो मोड या नॉन प्रो मोड। प्रो मोड ऑन होगा तो इट्स गोइंग टू गिव यू ऑल द प्रो ऑप्शन, जिसमें आप शटर स्पीड सेट कर सकते हैं, आप ISO सेट कर सकते हैं। दिस इज फॉर द वॉइस कंट्रोल, वॉइस कमांड ऑन करने के लिए आप इसको ऑन कर दें तो इट्स गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द वॉइस दैट यू गिव कमांड ऑन। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो दिस इज द ऑटो रोटेट एंड ओरिएंटेशन लॉक, और ब्राइटनेस के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिससे आप स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे। इसी के अंदर आपको 4x डिजिटल जूम का ऑप्शन मिल जाएगा, 4 गुना ये जूम कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नोन एज अ डिजिटल जूम व्हिच इज नॉट वेरी इफेक्टिव, तो 1 पे रखिएगा। 1x जूम जो है इसका
ओरिजिनल कैमरा फॉर्मेट का जूम है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स जो कि आप इस कैमरा से ले सकते हैं। इसी कैमरा के अगर आप सेंटर स्क्रीन पे बिल्कुल सेंटर में रख के आप स्वाइप करें तो आपके पास फोटो, वीडियो, क्विक क्लिप, स्लो मोशन और टाइम लैप्स के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप इसमें फोटो पे जाते हैं तो फोटो ये 12 मेगापिक्सल की फोटो खींच सकता है, जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन फॉर इट टू टेक अ स्नैपशॉट और ये फोटो लेके आपको दे देगा। 12 मेगापिक्सल की फोटो है, बहुत अमेजिंग फोटोज नहीं आएंगी, लेकिन दिस इज गुड अगर आप जा रहे हैं और आपने क्विकली आपको फोटोग्राफ की जरूरत है तो आप इस छोटे से टाइनी पीस ऑफ इक्विपमेंट को निकालें, स्नैप लें और सेव करते जाएं। वेरी हैंडी व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल एंड मूविंग अराउंड, जिसमें आप साइज ऑफ इक्विपमेंट का ज्यादा ख्याल रख रहे हैं। कैमरा का डिटेल रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया, इसके बारे में जितना मुझे मालूम थी मैंने आपको दी, जो कंपनी की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है वो मैंने आपके साथ शेयर किए। हाउएवर, जब भी आप कोई इक्विपमेंट लेते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं, कोई नई चीज़ लेते हैं, उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इशू एरियाज आते हैं जो कि पता होने चाहिए। तो इस छोटे मॉड्यूलर सिस्टम के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे पहला इसका ओवरहीटिंग का इशू है। अब ओवरहीट ये कैमरा कितना होता है भाई, ओवरहीट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कैमरे को आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड अगर आपने हाई रेजिस्टेंस टेम्परेचर सेटिंग यूज़ की हुई है तो आपको 4 मिनट 5 मिनट मुश्किल से निकालेगा। तो इस कैमरे को आपने उस नोयत से ज़रूर जहन में रखते हुए इसको इस्तेमाल करना है कि ये चीज़ ओवरहीट होती है और ठीक ठाक ओवरहीट होती है। अनलाइक GoPro, ओवरहीटिंग का इशू इस कैमरे के अंदर है और बहुत प्रोमिनेंट इशू है। तो आप प्रोलॉन्ग शूटिंग एट 4K 120 4K 60 के साथ नहीं कर सकते, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग इन योर माइंड। एक और जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि इसमें वाटरप्रूफिंग फैसिलिटी सिर्फ इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर अवेलेबल है, इसके डुअल स्क्रीन कॉम्बो के अंदर वाटरप्रूफ की फैसिलिटी नहीं है। तो जैसे ही आप इसका डुअल स्क्रीन कॉम्बो इसके साथ अटैच करते हैं तो द यूनिट इटसेल्फ इज नॉट वाटरप्रूफ, नॉट वाटर रेजिस्टेंट। इस चीज़ को जहन में रखिएगा, कहीं ये ना हो कि आपने डुअल स्क्रीन मॉड्यूल इसके साथ लगाया हो और कैमरा मॉड्यूल भी अटैच हो और आप स्विमिंग पूल के अंदर डाइव लगा दें तो दिस यूनिट इज गोइंग टू गो फॉर अ 6। Independently, the camera unit is waterproof and IPS resistant. इसकी rating काफ़ी ज़बरदस्त है। You can use this, but limitation ये है कि अगर आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हुए water boarding, water games या sports वगैरह swimming pool के अंदर आप जाएंगे तो इसकी limited memory capacity है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि आपको 20-30 GB of memory देती है, जिसमें से 22 आपको तकरीबन available हो जाता है system storage निकालने के बाद। अगर आपने इन दो नो को इस्तेमाल करना है फॉर वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स तो इसके वाटरप्रूफ केसिंग मिल जाती है, वो केसिंग यूज़ करते हुए आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडिड खर्चा है अलग से। वो होगा तो ये दोनों पीसेज वाटरप्रूफ होंगे, अगर वो नहीं है तो ओनली द कैमरा मॉड्यूल ओवर हेयर इज़ वाटरप्रूफ, नॉट द डुअल स्क्रीन कॉम्बो एंड द बैटरी कॉम्बो, ये वाटरप्रूफ नहीं है। एक और जो ड्रॉबैक इसका है वो मुझे इतना इशू नहीं दिया, लेकिन आप लोगों के लिए ये इशू हो सकता है, ये चीज़ इशू क्रिएट कर सकती है। वो ये है कि जो इसका मेन कैमरा मॉड्यूल है इसके अंदर इटसेल्फ मेमोरी कार्ड स्लॉट अवेलेबल नहीं है। अगर आपने इसकी मेमोरी एक्सटेंड करनी है तो आपको या डुअल स्क्रीन कॉम्बो या इसका एक्सटेंडेड बैटरी कॉम्बो जो आ रहा है वो लेना पड़ेगा, उनके अंदर यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। सो दिस इज अनदर ड्रॉबैक जो कि मुझे इस सिस्टम में फील हुआ। अदरवाइज इन तीन चीज़ों के अलावा ये एक अमेजिंग एक्शन कैमरा फॉर एनी ऑफ द यूजर्स, एडवांस्ड हों या मीडियम लेवल के यूजर्स हों या बिगिनर्स हों, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिस्टम टू गो विद। ये था DJI Action 2 का रिव्यू। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ प्रेस लाइक, हिट सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन दिस बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी गुड स्टफ दैट इज़ गोइंग टू कम ऑन दिस चैनल। इसी कैमरा को टेस्ट करने की वीडियो, इसके तमाम फीचर्स को टेस्ट आउट करने की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अपलोडेड सून। सो दिस इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, तकरीबन 90-95 हज़ार PKR में ये अवेलेबल है पाकिस्तानी ओपन मार्केट। आप इस्लामाबाद से लें, लाहौर से लें, फ्रॉम वेयरएवर, दिस इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। होप ये वीडियो पसंद आई होगी। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज AWP एग्जॉटिका साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन अदर वीडियो रियली रियली सून। जाइएगा कहीं नहीं, बाय बाय।